प्रेरक संघ के सदस्यों ने गोरखपुर में बेसिक शिक्षा मंत्री, साक्षरता निदेशक, मानव संसाधन मंत्री को अपनी अदालत में दोषी मानते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई। जी हां, आज प्रेरकों ने नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रेरक संघ की अदालत नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। मंचन के दौरान शिक्षा मंत्री, साक्षरता निदेशक, मानव संसाधन मंत्री को दोषी मानते हुए जज के द्वारा इन्हें फांसी की सजा सुनाई। अभी हमारे साथी वकील बड़े ही सफाई के साथ साक्षरता निदेशक अमरनाथ वर्मा, बेसिक मंत्री अनुपमा जायसवाल, एचआईडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को निर्दोष बताने का प्रयास किए हैं। सरकारी वकील आपको कुछ कहना है जी? अभी हमारे काबिल दोस्त ने कहा कि जो भी जिम्मेदार है हमारे, लेकिन जिले से जब भी रिपोर्ट मांगा गया तो हमारे जो भी अभी आप कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री, माननीय केसाड़ी मिनिस्ट्री और निदेशक जिम्मेदार है, तो हम हमारे मुवक्किल ने मांगा था जो जिला से रिपोर्ट, लेकिन जिला स्तर से रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। और हम लोग हमारे मुवक्किल ने एक लेटर भी भारत सरकार को लिखा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जज की भूमिका निभाने वाले प्रेरक आनंद कुमार ने बताया कि आंदोलन के 18वें दिन नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। आज अनिश्चितकालीन धरने का 18वां दिन चल रहा था। बार बार सरकार से गुहार लगाने के बाद भी जब समस्याओं का सार्थक पहल समाधान नहीं हुआ तो आज ये अदालत लगानी पड़ी और जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति थे उन सभी पर कार्रवाई करा कर उन पर मुकदमा चलाते हुए विधिक प्रक्रिया के तहत सजाए मौत दिया गया है। सरकार को इस नाटक के माध्यम से हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार अपने दायित्व का पालन करे। 125,000 प्रेरक जो 40 महीने का बकाया मानदेय से तरस रहे हैं, उनका मानदेय दिलाने का यथाशीघ्र प्रयास करें, अन्यथा वो दूर नहीं जब जनता को खुद ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ेगा जिस दिन शासन प्रशासन के लिए बहुत ही दुखद स्थिति होगी। अभी मुख्य रूप से तीन जिम्मेदार, बेसिक शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और निदेशक साक्षरता पर कार्रवाई की गई, अदालती कार्रवाई की गई, जिन पर दोष सिद्ध पाए जाने पर उन लोगों को फांसी की सजा दी गई। प्रेरकों के वकील की भूमिका अदा करने वाले मृत्युंजय पांडे ने बताया कि जिस तरह हमारी अदालत ने फैसला हमारी हालत को देखते हुए हमारे पक्ष में सुनाया, उसी तरह सरकार भी हमारी हालत को देखे। उत्तर प्रदेश के 125,000 शिक्षा प्रेरकों की तरफ से मैं वकालत कर रहा था और 125,000 शिक्षा प्रेरक सहित पूरे हिंदुस्तान के लगभग 5.5 लाख शिक्षा प्रेरकों की वकालत करते हुए आज इस नाट्य मंचन प्रेरक संघ की अदालत में विजय हासिल की है। और माननीय जज साहब ने हमारे जो 125,000 शिक्षा प्रेरक हैं उनको न्याय देते हुए बेसिक मंत्री को और शिक्षा निदेशक को, एचआरडी मिनिस्ट्री को कड़ी से कड़ी सजा देते हुए फांसी की सजा दिए हैं। आज इस नाट्य मंचन के माध्यम से प्रेरक संघ की जीत हुई है और हम सरकार को संदेश भी देना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द हम शिक्षा प्रेरकों का मानदेय भुगतान नहीं हुआ, संविदा सम्मानजनक मानदेय के साथ बहाल नहीं की गई, तो 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भी एक इसी तरह का नाट्य मंचन बनेगा जिसमें प्रेरक सरकार को जमीन दिखाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं CN24।